कामायनी का श्रद्धा सर्ग है, जिसमें श्रद्धा जो है वो मनु को अपने भीतर नवीन उत्साह जागृत करने की प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मनु से क्या कहती है? पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। पुरातनता का मतलब है प्राचीनता या पुरानापन। मनु विषाद में बैठे हैं, मनु तनाव में बैठे हैं, वो जीवन हार चुके हैं, वो जीवन से बहुत ज़्यादा ही व्याकुल हो चुके हैं। उनकी आँखों में करुणा है, हृदय में शोक की अग्नि जल रही है, लेकिन फिर भी श्रद्धा समझाती है कि परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है, परिवर्तन प्रकृति में होता रहता है। इसलिए पुरातनता, और देखो ये प्रकृति भी पुरातनता का यह निर्मोक, निर्मोक का अर्थ होता है केंचुली, ठीक है, निर्मोक का अर्थ है केंचुली। जैसे सर्प की केंचुल होती है, सर्प केंचुल उतार देता है और उसके नवीन केंचुल आती है, फिर से नई केंचुल धारण करता है, ठीक उसी सर्प की भांति ये प्रकृति भी है। प्रकृति भी पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। जो प्रकृति है वो एक पल भी ये पुरातनता की केंचुल सहन नहीं करती है। नित्य नूतनता का आनंद, नूतनता का अर्थ है नवीनता, नूतनता का क्या अर्थ है? नवीनता। किए है परिवर्तन में टेक, और टेक का मतलब है स्थिरता, टेक का मतलब है स्थिरता, ये परिवर्तन में स्थिरता लिए हुए है, ठीक है। कि जिस प्रकार ये प्रकृति पुरातनता की केंचुली स्वीकार नहीं करती एक भी पल, नित्य प्रति नवीनता का आनंद प्रकृति अपने में संजोए रहती है। आपने देखा होगा ना, प्रकृति कभी पीले पत्ते अपने पेड़ों में नहीं लगा के रखती है, कभी मुरझाए फूलों को अपनी टहनियों में नहीं रखती है, क्योंकि ये केंचुली की भांत है। प्रकृति उनको तुरंत, इससे पहले का है वो, इससे पहले की जो पंक्तियां हैं वो आप नहीं पढ़े, इससे पहले की जो पंक्तियां हैं उसमें लिखा है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कि प्रकृति की युवावस्था का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता है, प्रकृति के बासी फूलों का श्रृंगार कभी, श्रृंगार में प्रकृति के बासी फूल नहीं आते, क्योंकि सदैव प्रकृति नवीन फूलों से अपना श्रृंगार करती है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। अब आगे श्रद्धा क्या कहती है? आगे श्रद्धा समझाती कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि, ये जो सृष्टि है युग की चट्टानों पर, युग के पत्थरों पर डाल पद चिन्ह चली गंभीर, अपने गंभीर, अपने गहरे पद चिन्ह डाल करके आगे चली जाती है। अर्थात ये प्रकृति, ये सृष्टि परिवर्तित होती रहती है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति, देवता हों चाहे गंधर्व हों चाहे असुर हों, असुर का मतलब राक्षस हों, इन सब की पंक्तियाँ अनुसरण करती हैं, यानी कि पीछे पीछे अधीर होकर के उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। किनके पीछे पीछे? जो सृष्टि जिन पदचिन्हों पर चलती है उन्हीं पदचिन्हों पे हम मानवता को चलना पड़ता है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पदचिन्ह चली जाती, यानी युग की चट्टानों पर जो सृष्टि पदचिन्ह डालते हुए आगे बढ़ती है और उन्हीं पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए देव गंधर्व असुर की पंक्तियां भी चलती हैं। तो इन पंक्तियों में क्या बताती है श्रद्धा? एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद।
मनु को श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि एक ये विस्तृत भूखंड है, भूखंड मतलब भूमि, भूखंड का मतलब है पूरी पृथ्वी। एक यह विस्तृत भूखंड है, भूखंड का पूरी पृथ्वी, प्रकृति वैभव से भरा आनंद लिखा है, अमंद लिखा है, ठीक है, हाँ अमंद है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, अब मनुष्य श्रद्धा कहती एक तो तुम हो, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, और ये विस्तृत भूखंड और ये विशाल भूखंड, इतनी बड़ी पृथ्वी, उसमें कितना विरोधाभास, तुम छोटे से हो और इतनी विस्तृत पृथ्वी है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद माने अत्यधिक, मंद माने थोड़ा और अमंद माने अत्यधिक, जो मंद ना हो। तो प्रकृति के वैभव अर्थात प्रकृति के ऐश्वर्य से संपूर्ण लबालब भरा हुआ है, और इस प्रकृति के इस संसार में कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, जड़ माने निर्जीव और चेतन माने जिनमें आत्मा बसती हो, जो चैतन्य हो, चलते हो, यानी कि जड़ माने अचर और चेतन माने चर, स्थावर और जंगम, जो भी दो प्रकार के प्रकृति में प्राणी हैं वो क्या करते हैं, कर्म का भोग, कर्म कर्म को करता है फिर भोगता है, और उस भोग का कर्म और भोगते हुए भी मनुष्य कर्म करता है, यही जड़ और चेतन दोनों का आनंद इस सृष्टि में है, क्योंकि हम कर्म करते हैं इसके बाद उन्हीं कर्मों के फल को भोगते हैं, और फल को भोगते हुए भी कर्म करते हैं, तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, जीव निर्जीव, सजीव जड़, निर्जीव जड़ों को निर्जीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेड़ पौधे जड़ हैं, वो निर्जीव नहीं हैं, पेड़ पौधे जीवित हैं, उनमें भी जीवन है, वसता है जीवन, आप जड़ों को पानी नहीं देंगे, भोजन नहीं पाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे, तो इसलिए ये सिद्ध हो गया है कि पेड़ों में भी जीवन पाया जाता है, इसीलिए जड़ जो वो जड़ हैं, पेड़ जड़ हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते, और चेतन मनुष्य हर जगह जा सकता है, सजीव है, तो यही जड़ और चेतन का आनंद इस सृष्टि में बसता है, आदमी कर्म करता है और कर्म करने के बाद भोगता रहता है, और उस भोगते भोग करते हुए भी उसको कर्म करना पड़ता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके न आत्म विस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय, असहाय मतलब जिसका कोई सहायक साथी न हो वो असहाय कहा जाता है, ठीक है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, यजन का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अकेले हो, यानी तुम बेसहारा हो, लेकिन ये तुच्छ विचार आपके मन में आया कैसे। तुच्छ विचार तो तब आते हैं जब भीड़ भाड़ होती है, लेकिन अब मनु श्रद्धा से कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, यजन कर सकते क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यजन कर सकते, यजन माने यज्ञ, यजन माने यज्ञ होता है, यजन का अर्थ होता है यज्ञ, यानी तुम अकेले असहाय होकर के यज्ञ कैसे कर सकते हो, ये तुच्छ विचार तुम्हारे मन में आया कैसे, क्योंकि ये यज्ञ का विचार तो तभी आ सकता है जब दो लोग हों, ऐसा ऐसा पुराणों में कहा गया है कि पति पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, दाम्पत्य जीवन से संबंधित व्यक्ति ही, यानी कि दंपत्ति जब यज्ञ करते हैं तभी वो पूरा हो जाता है। फिर कहता तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, यानी बहुत समय तुम अकेले रहने के कारण तुम्हारा हृदय आकर्षणहीन हो गया, आकर्षणहीन होने के कारण हे तपस्वी तुम अपना विस्तार नहीं कर पाए, और विस्तार तो तभी संभव है जब यज्ञ होगा, यज्ञ अकेले नहीं हो सकता, इसीलिए उसने कहा अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम अकेले यज्ञ कर सकते हो, यह तुच्छ विचार है, तुम्हारे मन में आया कैसे तुच्छ विचार, क्योंकि यज्ञ तो दो लोगों से पूरा होता है। दब रहे हो अपने ही बोझ
खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बन कर क्यान उरिण हो मैं बिना विलंब। दब रहे हो अपने ही बोझ, श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम तो अपने बोझ में ही दबे जा रहे हो और खोजते भी न कहीं अवलंब। अवलंब माने सहारा, अवलंब माने सहारा, यानी तुम अकेले ही अपने तनाव में अपने बोझ में दबे जा रहे हो और कहीं भी सहारा भी नहीं ढूंढ रहे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न, क्या ना, वो कहती क्या ना उऋण होऊं मैं बिना विलंब, वो कहती मैं बिना देर किए हुए मैं आपकी सहचरी बन जाऊं और मैं इस ब्याज से उऋण हो जाऊं, इस ऋण से उऋण हो जाऊं। तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उऋण होऊं मैं बिना विलंब। वो श्रद्धा मनु की सहचरी बनना चाहती है, वो कहती है कि अगर आपकी इच्छा हो, आप तो अपने ही बोझ में स्वयं दबे जा रहे हैं, खोजते भी न कहीं अवलंब और किसी का सहारा भी नहीं खोज रहे हैं, तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना, अरे क्या मैं तुम्हारी सहचरी बनकर के बिना विलंब किए हुए मैं तुम्हारी सहचरी बनकर के क्या मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकती, अर्थात मुझे आप अपनी सहचरी बना लें और मैं आपके यज्ञ में पूरी सहायता करूंगा।